सामान्यवादी का रास्ते माफल है। चुनाव तक हर उम्मीदवार सड़कें छान रहा है, खास करके मुंबई में जहां पर ह्यूमिडिटी और धूप सबके पसीने छोड़ देती है, लेकिन उम्मीदवार जगह जगह पर गली गली में जा रहे हैं क्योंकि वोट का सवाल है। और इसीलिए हम भी अपने सवाल लेकर हर उम्मीदवार के पास जा रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं उर्मिला मातोंडकर के साथ, जो उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार है। धमाकेदार एंट्री के बाद इन दिनों उर्मिला अपनी लोकसभा सीट पर प्रचार में जुटी। उर्मिला के इस ताबड़तोड़ प्रचार का हिस्सा बनने के लिए हम उर्मिला के घर पहुंचे, जो इत्तेफाक से आजकल उनका पार्टी दफ्तर भी बना हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, सेल्फी और के दौर के बाद उर्मिला निकल पड़ी अपनी पहली चुनावी रैली के लिए। और इस दौरान हमने उनसे कई मुद्दों पर चर्चा की। तो आपको पता है कि आपके खिलाफ जो खड़े हैं, जो बीजेपी के सांसद है यहाँ से, वो एक हम कह सकते हैं कि एक कार्यकर्ता से सांसद तक पहुँचे हैं। वो पार्षद थे, वो विधायक बने, फिर पार्लियामेंट में पहुँचे। तो जो राजनीति में हर सीढ़ी चढ़नी होती है, वो चढ़ के वहाँ पर पहुँचे, यहाँ के लोगों को भलीभांति जानते हैं। तो आप लोगों को, जो आपके वोटर हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे कि इनको नहीं, मुझे वोट दीजिए? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लोग किसको कितने लंबे अरसे से जानते हैं उससे कोई बातें बनती हैं। उन लंबे अरसे में उन व्यक्तियों ने क्या डिलीवर किया है, इससे चीज़ें बनती हैं। क्योंकि मैं भी एक वोटर हूं और मैंने जब भी वोट दिया है, मैंने वो समझकर वोट दिया है। उसके अलावा ये भी मायने रखता है कि आपकी पार्टी ओवरऑल किस तरह का एक प्रदर्शन कर चुकी है और आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह का प्रदर्शन कर चुके हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर क्या कहूँ कि अगर वो लंबे अरसे तक इस जगह पर रह चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उन लंबे अरसे में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, ये एक कम्प्लीटली अलग मुद्दा है। तो सांसद का काम क्या होना चाहिए? क्योंकि कई बार मुंबई जैसे शहर में लोगों में गफलत हो जाती है कि जो काम एक पार्षद को करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं फुटपाथ या सड़क या फिर पानी का, हाँ तो या हाँ जो भी है, मतलब बीएमसी का काम होना चाहिए, या तो पार्षद का क्या काम होना चाहिए? पार्षद एक लॉ मेकर होता है, तो उसका आप काम किस तरीके से नापेंगी? और जो आपके खिलाफ कैंडिडेट है वो, और उसके बदले में आप क्या प्रॉमिस करती है फिर लोगों? पानी की समस्या, गोराई माड़ा जैसे जगहों पे 1:30-2 बजे रात को पानी आता है, तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा है कि मेरे क्या किसी और के भी आने से एक दिन में ये सारा दृश्य, मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, लेकिन इस पैमाने पर के जो बड़े मुद्दे हैं वो मुद्दे अपने लेवल पर है। फिर मैंने देखा कि छोटे दूसरे भी मुद्दे कई हैं, जैसे छोटे मतलब उसके इसमें छोटे कह सकूंगी मैं कि जैसे महिलाओं के आरोग्य की समस्या है। ज़्यादातर महिलाएं जो दारिद्र्य रेखा के पास रह रहे इधर फैमिलीज है, उनके महिलाओं के ऊपर की जो इतने बड़े पैमाने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगों ने नारे दिए, क्या उन्होंने इतना भी देखना ज़रूरी नहीं समझा कि इतने बड़े पैमाने पर जब केंद्र बनाए गए हैं आरोग्य के, उसमें अगर डॉक्टर्स है कि नहीं, उसमें वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, या तो लोकल ट्रेन के जो मुद्दे यहाँ से है कि यहाँ से क्यों इतने बड़े पैमाने पर जो लेडीज़ जाती है रोज़ अपना नौकरी करने के लिए, उनके लिए सिर्फ एक लेडीज़ लोकल है। सो देर आर मेनी सच थिंग्स एंड लाइक आई सेड दैट दोज़ आर नॉट, दैट इज़ अ फाइट दैट अ सांसद हैज़ टू कीप पुटिंग अप फॉर रेजिंग दिस इश्यूज एंड अवेयरनेस। आपने अभी प्रचार करते समय आपको ये बात आपने देखी होगी, आपने महसूस भी की होगी कि सिर्फ काम पर लोग वोट नहीं देते, एक कम्युनिटी एंगल उसमें काम करता है। आप कैसे लोगों से बर्ताव करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, वो भी एक मैटर करता है उसमें। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कम्युनिटी वोटिंग होती है, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो ये आप वो चैलेंज आप कैसे निकालेंगे उत्तर मुंबई में, क्योंकि यहाँ पर गुजराती भी है, मराठी भी है, मुसलमान भी है, उत्तर भारतीय भी है, सब भाषिक लोग यहाँ पर है, उसका चैलेंज आप कैसे? इसका सिंपल सा जवाब ये है कि क्योंकि मैं मुंबई की मुलगी हूँ, वो तो मैं बदल नहीं सकती, और वो सच्चाई है कि मैं टैगलाइन बन चुका है जी, मैं मुंबई कर हूँ और मैं मराठी हूँ, और इस बात का मुझे बड़ा अभिमान है कि 27 बरस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे जगह पर रहने के बावजूद मेरी मराठी और उसकी समझ और सब काफ़ी गहरा है, लेकिन मैं लोगों के बीच एक मुलगी, एक मुंबई की मुलगी या मराठी बनकर जा नहीं रही हूँ, ना मैं लोगों के बीच एक स्टार या फिल्म एक्टर बन के जा रही हूँ,
मैं बस लोगों के बीच अपनी सच्चाई और अपनी निष्ठा लेकर जा रही हूँ। अगर मुझे आपको वोट करना है तो आप मुझे क्या कहकर कन्विंस करेंगे कि इस वजह से आप मुझे वोट दो? मैं एक आम सामान्य वोटर हूँ, मुझे नहीं पता है, मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मैं देख रहा हूँ, मैंने पहली बार उर्मिला मातोंडकर को मेरे मोहल्ले में, सड़क में या गली पर देखा है, मुझे आप क्या कन्विंस करेंगे कि आप मुझे वोट दो, साहिल आप मुझे वोट दो, ये कैसे कन्विंस? मैं यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं ये जो मुंबई का क्षेत्र है, मुंबई का इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और इनकी वजह यही रह चुकी है कि इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं उस लेवल तक नहीं उठाई गई है जहां पर इन सारे मुद्दों को सीरियसली देखा जाए। एक सांसद होने के नाते ना मेरा कोई और दूसरा फोकस रहेगा, ना मैं कुछ और करना चाहूँगी अगर मुझे सांसद होने का मौका दिया गया। मैं पूरा अपना वक्त और अपनी पूरी मेहनत इस क्षेत्र के, वो वैसे भी लगाऊंगी, लेकिन इस क्षेत्र को आगे निकालने में और उसको ऊपर लाकर, बंबई के स्तर पर लाकर रखने के ऊपर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहेगा। कितने घंटे निकल रहे हैं आजकल आपके चुनाव प्रचार में, और दिन का करीब करीब कितना समय जा रहा है पूरा? वो कितने घंटे मुझे उल्टा काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे 8 घंटे की नींद जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा करती थी तोड़ गई होगी अब। वो तो 4 से 5, अगर 6 हुई तो बहुत ज्यादा दिवाली हो गई समझो, तो वो हो चुका है। जैसे कि आप सुन सकते हैं मेरी आवाज गई है, तो अच्छा है, कम से कम लोग ये नहीं बोलेंगे कि गाना गा के वोट मांगे। अभी देखते हैं हम, क्योंकि अभी हम एक रैली में जा रहे हैं, उसके बाद एक रोड शो है, अलग अलग इलाकों में जाएगा, तो देखते हैं कि उर्मिला मातोंडकर जो कह रही है, कनेक्ट करना उनके लिए काफी आसान है, तो वो कनेक्शन भी हम अब देखेंगे। उर्मिला मातोंडकर ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 27 मार्च को कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस ने उन्हें उत्तर मुंबई से चुनावी मैदान में उतारा है, और 29 अप्रैल को इस सीट पर होने जा रहे मतदान के लिए उर्मिला मातोंडकर इन दिनों धुआंधार प्रचार में जुटी। सब अपने ड्रेसेस डाल के मेरे साथ डांस करने के लिए रेडी है। कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि उनकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ, या मैं ऐसे कहूँगी कि मेरी विचारधारा जिस पे मैं पली बड़ी हूँ, जिस पे मेरा व्यक्तित्व निर्भर है, वो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से बहुत क्लोज है, कि ना मैं इलेक्शन के चलते यहाँ आई हूँ, ना इलेक्शन के होने के बाद गायब होने वाली हूँ। उर्मिला यहाँ एक नुक्कड़ मीटिंग में पहुंची थी। शुरुआत से ही उर्मिला अपने ऑडियंस को खूब समझती है। मराठी मानुष की भीड़ देख उर्मिला को भी मराठी मुलगी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पाठिंबा करता मी तुमचे अनेकानेक आभार मानू इच्छिते। मला याची पूर्ण खात्री आहे की लोकतंत्रामध्ये एकच स्टार असतो आणि तो दरअसल सिर्फ रैली और रोड शो ही नहीं, बल्कि उर्मिला वोटरों को रिझाने के लिए इन दिनों अपने तर्कश से नई नई तरकीबें निकाल रही है। वो वोटरों को ये एहसास दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती कि वो भी उन्हीं की तरह से एक खालिस मुंबईकर है। इसी सिलसिले में उर्मिला पिछले दिनों मुंबई की सड़कों पर वड़ा पाव खाती, इसके अलावा वो गुड़ी पड़वा के त्योहार पर भी लोगों के बीच मराठी मुलगी के देसी अवतार में पहुंची थी। बहरहाल नुक्कड़ मीटिंग खत्म होते होते दोपहर हो चली थी और उर्मिला अपने अगले पड़ाव की ओर निकलने को तैयार थी, सो हम भी उनके साथ हो ली। कुछ फिल्म बनाना चाह रहे हैं, हमारा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का सवाल है, हम अगर प्रधानमंत्री पे फिल्म बना रहे तो उसमें क्या गलत है, और उसके लिए हमको बकायदा सेंसर सर्टिफिकेट मिला है, तो लोग उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, खास करके कांग्रेस ने सवाल उठाया उसको लेकर, क्या लगता है आपको कि फिल्म रिलीज पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, किसी भी तरीके की फिल्म हो, अगर आपको लगता है कि आप किसी विचारधारा को फॉलो करते हैं आप उस पर फिल्म बना दीजिए, आपको किसने रोका है करने के लिए, ये बात की जाती है? रोका इस वजह से गया है, या सवाल इस वजह से खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसकी टाइमिंग की कुछ ज़्यादा ही क्या कहते हैं उसको, उसकी वजह से उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा हुए हैं कि जब इलेक्शन 2 हफ्तों पर है तो ऐसी फिल्म का रिलीज़ होना, जब एक एक सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन का भी एक एक कोई एक नज़रिया होता, एक 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 डेफिनेट उसकी पद्धति होती है जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अभी हमने आपका भाषण देखा मराठी में, आपने बात की और कहा कि मराठी मुलगी किसी से डरती नहीं है, जितना अटैक करेंगे उतना हम उसको, मैं उसका जवाब दूंगी, तो क्या यही लाइन पे आपकी आगे की भी नुक्कड़ सभाएं या बाकी सारी चीज़ें होंगी? नहीं, ऐसा कि कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सारी सभाओं में दरअसल मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने भाषणबाजी लोगों को दूं, क्योंकि जो लोग त्रस्त हैं अपने आप में, अपनी ज़िंदगी से, और जिस जगह पर उनकी ज़िंदगी आई है
उस जगह पे ये सारी चीज़ों को संबोधित करना मुझे सही नहीं लगता। वहाँ पर मैं उन्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें सबको विकास की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, और वो वक्त अब है। क्योंकि मैं वाकई में ऐसा मानती हूँ कि 2019 के चुनाव जो है हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये बहुत हद तक डिसाइड करेंगे कि देश का जो हमारा आने वाला कल है, जो भविष्य है, वो किस रुख में मुड़ेगा और किस तरह का रूप लाएगा। तो अभी हम देखते हैं नुक्कड़ सभा या उनका रोड शो होगा, उसमें किस तरीके से कैंपेनिंग होगी, क्या बातें रखी जाएंगी, और लोगों से भी पूछेंगे जो लोग वहां पर खड़े होकर उर्मिला मातोंडकर की बात सुनने के लिए, देखने के लिए खड़े होते हैं, उनसे भी पूछेंगे कि जो इनका पीपल्स कनेक्ट जो मूवमेंट चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, क्या सचमुच में कारगर साबित हो रही है और क्या लोगों का इसके बारे में कहना है। इसके बाद शुरू हुआ उर्मिला मातोंडकर का रोड शो और उर्मिला एक ओपन ट्रक पर सवार होकर अपने लाव लश्कर के साथ वोटरों को रिझाने पहुंच गई। मुंबई की सड़कों पर उर्मिला का रुतबा आज भी नेता का कम और स्टार का ज्यादा है, सो लोग पूरे रास्ते उर्मिला को रोक रोक कर उनका स्वागत करते रहे। उनके साथ फोटो खिंचाने और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं थी। उर्मिला बखूबी जानती हैं कि ये किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं है, उनके कोमल पांव राजनीति की सख्त जमीन पर पड़े हैं। यहाँ सवाल हर एक वोट का है, लिहाजा वो वोटरों को रिझाने मनाने के सिलसिले में उन्हें फोटो अपॉर्चुनिटी के कई मौके देती हैं। ढलते दिन के साथ ही उर्मिला एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची। उर्मिला मातोंडकर एक फिल्म स्टार थी और जाहिर सी बात है उसी के वजह से अट्रैक्शन लोगों में के मन में होता है ग्लैमर की तरफ, और इसी के वजह से आप देख सकते हैं कि कोई कुछ खींच के रुक के मोबाइल पे फोटोग्राफ्स लेते हैं, कोई सेल्फी लेने की कोशिश करता है। लेकिन उसके साथ साथ अब ये लड़ाई कांग्रेस के लिए अहम बन गई, क्योंकि अगर उत्तर मुंबई जीती तो मुंबई पर कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर हो सकता है, ये कांग्रेस को ख्याल आ गया है। यहाँ मौजूद गुजराती ऑडियंस की नब्ज को पकड़कर मराठी मुर्गी तुरंत गुजराती अवतार में आ गई। धारा प्रवाह मराठी बोलने वाले उर्मिला के मुंह से गुजराती भाषण सुनना वोटरों के लिए एक अलग ही अनुभव था। सो आवे मारे साथे, अपने साथ आपो, तो बड़ी घनी संख्या नो अपने साथ आपो, अने मने विजय आपे, बहुत-बहुत शुक्रिया, तमे बहुत सारा प्यार। एक बात साफ है कि चुनावी एक्सप्रेस की सवारी से पहले उर्मिला ने अपना होमवर्क जरूर किया है और उत्तर मुंबई सीट पर गुजराती वोटों के समीकरण और उसकी अहमियत को ताड़ लिया है। उत्तर मुंबई लोकसभा चुनाव क्षेत्र मुंबई की पश्चिमी उपनगरों से बना हुआ है। उर्मिला मातोंडकर यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि पिछली बार यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार 4,30,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते थे और कोई भी कांग्रेस का नेता यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर रास्ता चुना गया, उर्मिला मातोंडकर को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया। लेकिन यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है और एक पार्षद से संसद तक का सफर तय कर चुके हैं, यानी लंबी पारी राजनीति में खेल चुके हैं, यहाँ के लोगों को जानते भी हैं। तो ये टक्कर उर्मिला मातोंडकर के लिए भी उतनी आसान नहीं है क्योंकि फासला बहुत लंबा तय करना है। ये पहली बार नहीं है जब मुंबई की सियासी जमीन पर कोई सितारा उतरा हो, ऐसे में उर्मिला के साथ सफर में चलते चलते हमने उम्मीदों को लेकर कई मुंबईकरों की राय जानने की भी कोशिश की। यहाँ पर वोटर है उत्तर मुंबई में,
हाँ वो तो। और उर्मिला मातोंडकर को जानती है? हाँ जानती हूँ। कैसे जानती है? स्टार है वो। लेकिन अभी आप फैन की तरह आई है कि वोटर की तरह देखने आई? वोटर की तरह और फैन की दोनों तरह। ऑलरेडी मतलब 5 साल तो हो चुका है लेकिन वैसा कोई डेवलप नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली एक बार इनको चांस मिलना ही चाहिए। जितना मांगता है कहीं को इधर कुछ नहीं हो रहा है, ये पूरा खंडर कर दिया है, रोड सब बंद कर दिए है, देखो हालत क्या है। नवा पार्टी आना ही मांगता है, जो आगे आए हम लोग को प्रोत्साहित करे, बहुत हमारी इच्छा है वो पूरी करे सब, हम लोग वही चाहते कि वो आए। किसी की ताकत नहीं है बेरोजगारी हटाने की, खाली बातें करते हैं बाकी कुछ नहीं करते। ये लोग जो है पहला गोविंदा था वैसा ही है, ये खाली अपना खुद के स्वार्थ के लिए टिकट ले लिए। इसमें क्या है, अभी उर्मिला मातोंडकर अभी नया उम्मीदवार है, अभी नया चेहरे के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वो उन उधर से रास्ते से गई नहीं है, लोगों की समस्या ही उनको मालूम नहीं, वो इतना हाई स्टैंडर्ड में रहती है, उनको जन सामान्य उनकी समस्या मालूम नहीं। मौका तो मिलना चाहिए ना उसको, तो काम करेगी ना, मौका देगी पब्लिक तो काम तो जरूर करेगी। सियासत का ककहरा सीख रही उर्मिला इतना तो बखूबी समझ गई हैं कि वोटरों के दिल में उतरने के लिए उनके दिमाग को समझना जरूरी है, सड़कों और गली कूचों में पहुंचकर उनसे जुड़ना जरूरी है। लकड़ी की काठी गाड़ी पे घोड़ा, घोड़े के दम पे जो मारा है थोड़ा, बहुत होशियार हो, जो करना है वो करते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ मेरा साथ दोगे, मेरी सारी बहनें मुझे यहाँ मेरे सामने नजर आ रही है, वो मेरा साथ देंगी। मुंबई में उर्मिला के साथ दिन खत्म हो रहा था और आज का प्रचार अभियान भी। पूरे दिन उनकी बातों में एक बात बार बार जाहिर हो रही थी और वो ये कि बतौर स्टार वो राजनीति में नहीं आई बल्कि वो लोगों के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। 23 मई को ये तय हो जाएगा कि मुंबई के लोग भी उन्हें जमीन पर उतरकर अपने लिए काम करते देखना चाहते हैं या फिर मुंबईकरों को वो ग्लैमर के आसमान में चमकते सितारे की तरह ही लुभाती है। ये चुनाव क्षेत्र कांग्रेस को पता है कि उनके लिए काफी मुश्किल है। अब ये रैली किसी स्टेशन के पास जाके खत्म होगी, वहां पर एक भाषण किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर यह बात तो तय है कि कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर वो एक लड़ाई तो कम से कम खड़ी कर पाएगी चुनाव के दौरान, लेकिन अभी भी लड़ाई काफी मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके का मैंडेट 2014 में मिला है वो फासला काटना भी इतना आसान नहीं है। एक दौर वो था जिस पर राज करती थी जयाप्रदा, एक दौर ये है जब जयाप्रदा वोटरों से प्यार के साथ कह रही हैं दे दे वोट दे। नेता वही जो अवसर पहचाने और अवसर को बखूबी पहचान जयाप्रदा बीजेपी का दामन थामकर एक बार फिर रामपुर से चुनावी मैदान में है। जयाप्रदा इन दिनों रामपुर में दूर दराज के गांवों में जोरदार प्रचार अभियान पर जुटी है। उनके एक ऐसे ही चुनावी सफर पर उनका हमसफर बना आज तक। हम हैं कैंपेन ट्रेल पर और वोट का सवाल, जयप्रदा जी हमारे साथ हैं और आपका दिन तो शुरू से ही सुबह से ही शुरू हो जाता है मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपको उम्मीद थी कि आप वापस आएंगी यहाँ पर, वापस चुनाव लड़ेंगी, बार बार ये जगह पुकार रही थी। नो क्लू एक्चुअली, तो मैं उसके बाद कुछ 4-5 साल मैं बहुत परेशान थी और दिल में आहत के साथ मैं मुंबई चली गई वापस, और मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं थी, आप भी आपको भी मालूम है। उसके बाद अचानक मुझे, लेकिन लोगों का ये आवाज़ है, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे खींच लाए हैं। अगर जनता का आवाज़ नहीं, उनकी आवाज़ नहीं पहुँचती उधर वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण के पास, तो शायद मैं यहाँ इस धरती को वापस मैं आने का चांस ही नहीं था। जयाप्रदा सबसे पहले पहुंची रामपुर के गंगापुर करीम गांव। दूर दूर से हमें सपोर्ट करने के लिए, सम्मान करने के लिए आए हैं। लोगों का हुजूम उनकी राह देख रहा था। जयाप्रदा के मंच पर पहुंचने में अभी वक्त था, सो हमने यहां उन्हें सुनने पहुंचे लोगों से बात करने का फैसला किया। रामपुर में उस तरफ जयाप्रदा जी की सभा चल रही है, यहाँ पर लोग बैठे, कौन आया यहाँ पर जी, कौन आया है? तो क्या ख्याल है आपने? पूरा ख्याल है सर। कैसा काम किया था?
अच्छा काम किया तो अभी क्या चुनौती अच्छी दे रही है, अच्छी मिल रही है साहब? और क्या क्या अच्छा लगता है आपको जयप्रदा जी के बारे में जब ये सांसद थी पहले? सब कुछ काम अच्छा कर रही है, अच्छा दिखता है। कैसा काम रहा है जयप्रदा? बढ़िया काम भाई साहब, बढ़िया। अच्छा मोदी जी का अच्छा नहीं, अभी तो कर रहे हैं, उन्हें वोट देंगे, उन्हें जीता। कौन आया अभी? जयप्रदा जी आए। कैसी लगती है आपको? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है इनके बारे में? क्यों दादा, एक बात बताइए, जयप्रदा जी के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगा साहब। क्या काम अच्छा दिखा है? काम अच्छा है इनका, आजम खान से बेहतर है। और क्या? वैसे इन्होंने जब पहले थी रामपुर में सांसद तो काम किया था, आपने तब वोट दिया था साहब? जिंदगी दे ही रहे हैं वोट, बीच में जब ये नहीं थी तो इनको आप लोगों ने सोचा नहीं ये कहाँ चले गए? तो मैंने बताया नहीं, सोचा क्या मतलब मोदी जी आ गए थे तो उन्होंने दिया। माहौल तैयार होने के बाद आखिरकार जया मंच पर पहुंची। जयप्रदा जी, महिलाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफी सारी महिलाएं बच्चियां मौजूद हैं, आइए इनसे बात करें। तो हर गांव में बेटा कौन आया हुआ, चाहे पुल हो, सड़क हो, बिजली हो, इस तरह के जो मैंने बहुत काम किया क्या और आगे भी करना चाहती हूँ मैं, वो ऐसे कोई फर्क नहीं है। एक बात बताइए, क्या अच्छा लगता है आपको जयप्रदा जी के बारे में? आपकी जयप्रदा हमेशा आपके साथ रही जाए और जाए विकास के नाम से। क्यों? मैं बीजेपी मोदी जी को काम अच्छा और अमित शाह जी को भी और हमारे एक बात बताइए औलख जी को भी मैं। कैसी लगती है आपको जयप्रदा जी? क्योंकि आप लोग मुझे वोट देंगे। कैसी लगती है? सही लगती है मैं आपके लिए। क्यों? ये काम करेगी, काम करती है। औलख जी मंत्री है तो प्रदेश में भी आप लोगों के जो माता जी, कैसी लगती है जयप्रदा जी? ठीक लगती है। कैसा काम करती है? सही करती है। पहले अच्छा काम किया था महिलाओं के लिए। जयप्रदा जब भाषण खत्म कर मंच से उतरी तो लोगों का हुजूम उनकी ओर उमड़ पड़ा। कोई उन्हें फूल दे रहा था और कोई उन्हें गले लगा रहा था। बच्चों में, सबके बीच में, महिला बच्चों सबके बीच में जितने भी लोग हैं उनके साथ मिलते हुए मैम काफी जोश है। जयप्रदा जी को हमारी दुआएं। काफी जोश है जी, बहुत खुश है सारे लोग। उनके उम्मीदों को मुझे पूरा करना ये मेरे लिए सौभाग्य बात होगी। मैं एक चीज देख रहा हूँ, जब आपने बोला बच्चियों को और आप जब इंटरव्यू ले बोल रही थी, बात कर रही थी, बच्चियों को पीछे इंटरव्यू कर रहा था, छोटे छोटे बच्चे, सबको आपका नाम पता है जी। यही हमारे लिए ये गढ़ है और हमारा ये ताकत है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जब आपने उज्ज्वला योजना की बात की तो मैं सुन रहा था आपका भाषण, कई लोगों ने हाथ उठाए, फिर आपने कहा कई लोग जिनको नहीं मिला और भी मिलेगा, तो आपको लगता नहीं इस बार आपके पास एक ताकत वो है जो प्रधानमंत्री की योजनाएं थी? बिल्कुल, उनके जो इतने विकास हुआ है, खासतौर से बड़े बड़े जगहों पे वो तो होता ही है, लेकिन ग्रामीणों में जो ये मतलब गरीब से गरीब लोगों के लिए उनके जो उज्ज्वला योजना है वो बहुत मतलब फायदामंद हुआ है, और किसान भाइयों के लिए भी हुआ है। शौचालय बनवाए हैं, बहुत दिक्कत होता था पहले, हम लोग अपने निधि से बनाते थे, तो अब केंद्र से सरकार बना रही है। आप आखिरी बार कब मिले थे ऐसे नेता से? हम नहीं मिले थे, पहली बार मिल रहे हैं। यस। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं आप, ये एक अलग ही चीज है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, आपका कैंपेन ट्रेल कवर कर रहा हूँ मैं। आपका वोट किसको जाए? हमारा मोदी जी को। मोदी जी को? मोदी जी को। गौर करने वाली बात यह है कि जब महिलाओं से बातचीत की जाए वो वहां पर देखे आप जयप्रदा जी को, इस बार जयप्रदा के लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट है वो एडवांटेज पॉइंट रामपुर में ये है कि वो बीजेपी से है और बीजेपी में भी तब है जब प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करने वाले लोग बहुत सारे हैं। जब इस सभा को खत्म होती है, जैसे ये सभा जो आप सभा देख रहे हैं, आप यकीन मानिए इस सभा में बार बार मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा एडवांटेज पॉइंट है जयप्रदा की।
हमसे बातचीत कर जयाप्रदा की गाड़ी वहां से अगले गांव की तरफ मुड़ गई। मोदी से जुड़े उस सवाल का जवाब लेने के इरादे के साथ हम भी उनके साथ हो लिए। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे कॉम्प्रिहेंड करती हैं, मैं ये समझना चाहूंगा। आप 10 साल थी यहाँ पर, बीच में 5 साल का गैप हुआ, फिर आप वापस आई। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बहुत आगे निकल गई या छूट गई पीछे? काफी नुकसान भी हुआ है। अगर मैं अनदर 5 ईयर्स अगर मैं यहाँ पे काम करती तो यहाँ पे कई समस्याएं हैं। आप इंटीरियर विलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे अभी भी ठीक सड़कें नहीं हैं, जो इंसान के लिए एक अच्छी पानी का व्यवस्था नहीं है, और बिजली का भी कई गांव कवर हुआ है आदरणीय मोदी जी की वजह से, नहीं तो ये भी नहीं होता। अखिलेश के रीजन में तो एकदम ये तो बात है ही नहीं है। हम लोग उसके लिए हम लोग सोलार लाइट्स हर गांव में, लगभग मैं 400 गांव में सोलार लाइट देकर, बच्चों खास तौर पढ़ने के लिए उस सोलार लाइट्स के नीचे बच्चे पढ़ते थे, तो ये स्थिति थी। एक और गांव आ गया है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि हम थोड़ा पैन करके वहां पे दिखाएं। मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की अभी तक, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, इनमें आपको लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है। इसकी वजह क्या है, मैं आपसे जानूंगा पहले इस गांव के। इसके बाद जयाप्रदा की गाड़ी के पहिए थमे सिमरिया गांव पहुंचकर। यहां अभी सभा की तैयारी चल रही थी, सो हमने आसपास के लोगों का जायजा लेने की ठानी, और चहलकदमी के दौरान हमारी मुलाकात वहां कुछ लोगों से हो गई, जिनमें जयाप्रदा के ड्राइवर भी शामिल थे। हमारे साथ जयाप्रदा जी के ड्राइवर इस वक्त मौजूद है, क्या नाम है आपका? इमरान मीर। हाँ, इमरान मीर जी। कितनी गाड़ी चला चुके हैं रामपुर में अभी तक? डेली पर डे 300 किलोमीटर दूर डेली चलती है। 300 किलोमीटर लगभग कितने गांव? कम से कम एक दिन में 32 और 30। मैडम के चेहरे पे कभी थकान दिखती है? नहीं, मैडम कभी नहीं थकती। सुबह कितने बजे से शाम तक कितने बजे तक? 9:30 हम लोग निकल लेते हैं और रात को वही 10 बजे तक इधर आ जाते हैं। नॉन स्टॉप काम होता है। जी जी। तो जो लोगों से मुलाकात होती है, क्या कैसा उत्साह दिखता है लोगों के बीच में? बहुत खुश होते हैं लोग, क्योंकि मैम ने काफी इधर काम कराया है। ये बताइए अभी कौन आया यहाँ पर? जयप्रदा जी। क्या ख्याल है आपका इनके बारे में? बढ़िया ख्याल है साहब। मतलब क्या अच्छा लगता है इनके बारे में? तला काम इन्होंने अच्छा ही करा, इन्होंने बुरा क्या करा था? अच्छा काम किया, बढ़िया काम करा। तो पहले जब ये आई थी तो इनका काम अच्छा था? पहले अच्छा काम हुआ था इनका। लोगों की बातचीत से हमें लगा कि शायद रामपुर में जया की 2004 और 2014 वाली पारी को लोगों ने अभी भुलाया नहीं है। रामपुर के लोग आज भी उन्हें पसंद करते हैं। जया मंच पर पहुंची तो लोग अपने स्टार के फोटो खींचने में व्यस्त हो गए, और हमने बातचीत के लिए कुछ और वोटरों की तरफ अपना कैमरा घुमा दिया। तो आपको जयप्रदा जी कैसी लगती है? बहुत बढ़िया, फिल्मों में भी काम कर रहा है, वैसे भी बहुत अच्छी हैं, और बोर्ड जो है इन्हीं को मिलेगा, बोर्ड भी इन्हीं को मिलेगा। हाँ जी। क्या क्या इनका काम कैसा लगता है? बहुत बढ़िया काम है, सब कुछ ठीक ही है। पहले भी 10 साल रही राम। हाँ, वैसे रोड बोर्ड भी सही बनवाए इन्होंने, खरंजे वरंजे, अब तो RCC आ रही है, बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत आर भी बनवाए। खड़े हो जाइए जरा। हाँ, बहुत सही है, बहुत पुल बनवाए उनने, इतने पुल बनवाए हैं कि लोगों की समस्या बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया है। जब हमारे जब वो समाजवादी से थी तभी उनने काम अच्छा किया था, अब वो फूल से आ गई तो उन्हें तो विकास करना है, तो उनसे अच्छे नेता हमें कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा। हमने महसूस किया कि जयाप्रदा को दोबारा लड़ने को लेकर रामपुर की महिलाओं में विशेष उत्साह। जयप्रदा जी आई हुई हैं यहाँ पर, कैसी लगती हैं आपको ये? बढ़िया लगती हैं। क्या अच्छा लगता है इनके बारे में? सभी कुछ अच्छा लगता है उनके बारे में। तो आप यहाँ पर आई क्यों हैं? देखने के लिए आए। क्या? उनके देखना आए। अम्मा एक बार खड़े हो जाइए जरा, थोड़ा सा मैं आपको परेशान करूंगा। नहीं, परेशानी कुछ नहीं। अम्मा एक बात बताइए, तो आप यहाँ पे क्यों आई हैं? आप इनके दर्शन करने। क्यों? जयप्रदा के, हमारी जयप्रदा जीत जाए हमारे जिला से। जयाप्रदा की सभा के दौरान हमें कुछ बड़े दिलचस्प नजारे भी देखने को मिले। इस चुनाव में सियासत और धर्म का घाल मेल तो हम अब तक बहुत देख चुके, लेकिन यहाँ हमें इन दोनों का मेल जोल नजर आया।
ये इस देश की सबसे खूबसूरत बात है, ये देख रहे हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? इमरान। आपका? इकरार हुसैन। आपका? फैजान। आपका नाम क्या? नितिन पाल। ये देखिए, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है, ये एका की मिसाल है, इसको समझना जरूरी है। सभा जयप्रदा जी की है और यहाँ पर एक मिसाल है। बेटा थोड़ा सा इधर आ, तो आप जयप्रदा जी से मिलना है? जी जी। आप क्यों आए यहाँ पर? जयप्रदा जी, जयप्रदा से मिलना है। क्या अच्छा लगता है आपको इनके बारे में? बहुत कुछ अच्छा लगता है, काम विकास। अच्छा, जब पहले जयप्रदा जी थी तो कैसा काम था? बहुत बढ़िया काम रहा। हमारी बातचीत खत्म हुई तब जब जयाप्रदा के निकलने का वक्त हो चुका था। हमने गाड़ी में बैठते ही जयाप्रदा से धर्म और सियासत के मुद्दे पर चलते चलते कुछ और सवाल कर लिए। हम थोड़ी देर पहले आजम खान साहब का भाषण सुन रहे थे, वहाँ पे अली, बजरंग बली ये सब चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। आपका नाम क्या था? मेरा नाम इमरान अली। इमरान अली साहब, जयाप्रदा जी से जो कि भाजपा से लड़ रही है उनसे मिलने आ रहे हैं, आपके लिए चुनाव क्या धर्म के आधार पर है? देखिए, इनका आदत से ये आजम साहब मजबूर हैं, तो उनके भाषा इस तरह ही इस्तेमाल करते हैं। जब चुनाव होता है तो उनको धर्म के नाम से वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गंगा जमनी का तहजीब है, तो हम सब मिलजुल के काम करते हैं, हम सब हर धर्म को हम सम्मान करते हैं। और ज़्यादातर मैं हिंदू होने के बावजूद भी मैं इन सबको, जो मुसलमान भाई मेरे साथ दिया था, इसलिए मैं एक बार नहीं दो बार मैंने चुनाव जीत कराई। दिन शाम की ओर बढ़ रहा था और हम जयाप्रदा के साथ उनके सफर पर। हम अगली सभा के लिए निकल तो गए, मगर इस रामपुर के रास्ते ने हमारा हाल बेहाल कर दिया। जयाप्रदा का कैंपेन ट्रेल हम कवर कर रहे हैं, वो देखें आप, आगे गाड़ियों का काफिला है और कूदती हुई गाड़ियां जा रही है। सड़कों का हाल क्या है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखिए आप, जरा सड़कों का हाल देखने से पहले ये देखें आप, ये हाल है सड़कों का। अब सवाल खड़ा ये होता है कि जनता जो है वो कैसे रामपुर की इस सब को बर्दाश्त कर रही है। ये थोड़ा मैं माफी चाहूंगा जो इस आपत्ति के लिए, ये देखिए। खैर, अभी दो गांव कवर कर चुके हैं हम, तीसरे गांव में जा रहे हैं और रामपुर के इंटीरियर्स में, देहात में, क्योंकि जयप्रदा जी ने सबसे पहले शहरी इलाकों को टारगेट किया और उसके बाद अब इंटीरियर्स में जा रही हैं वो। ये देखें आप, आगे काफिला रुक रहा है, लेकिन इसको क्या कहेंगे आप। ये देखें सामने, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, ये सड़कों की वजह से जो गाड़ियों में ब्रेक लगते हैं उसकी ही बदौलत है कि लोगों को मौका मिल जाता है अपने नेताओं से बातचीत करने का। जयाप्रदा का ओहदा यहाँ किसी स्टार से कम नहीं, हर जगह बड़ी तादाद में लोग देखने जुट रहे हैं, जो आ नहीं पाए वो अपनी छतों से चढ़कर देख रहे हैं। बहन जयप्रदा, जयप्रदा जी। जया ने बोलना शुरू किया तो आखिरकार जिक्र वो भी छिड़ा जो अक्सर छिड़ता रहता है। एक वक्त वो था जब आजम खान रामपुर की जनता से जयाप्रदा के लिए वोट मांगा करते थे, लेकिन आज जयाप्रदा उन्हें वोट ना देने की अपील करती नजर आई। आज जिस इंसान ने मुझे रामपुर लेकर आया, वही इंसान मुझे आज विरोध करते हुए मेरे आमने सामने वो लड़ रहा है। आपको जवाब देना होगा कि शहर में आप मंत्री होते हुए भी आपने हमारे गांव के लिए क्या किया है। आप भी पूछिए, आप बताइए, वो मंत्री जो आजम खान साहब है, तो आपके गांव में कितने बार आया है वो मंत्री होते हुए भी? एक भी बार नहीं आया। तो ये सिर्फ शहर के लिए मंत्री है, प्रदेश के लिए मंत्री नहीं है। भाषण खत्म करके जयाप्रदा आगे बढ़ चली। रामपुर में हम मौजूद हैं, अलग अलग गांवों का सफर कर रहे हैं। जयप्रदा जी का ये कैंपेन ट्रेल है, वोट का सवाल है। आज के आखिरी सभा में पहुंचने से पहले रास्ते में जयाप्रदा का काफिला काली मां के दर्शन के लिए रुका। नवरात्रि के अवसर पर जयाप्रदा देवी मां के चरणों में जीत की गुहार लगाती नजर आई। रैली में पहुंचकर जया का स्वागत तो खूब हुआ, लेकिन उसके बाद वह आराम से बैठी हुई नजर आईं। हमें लगा कि शायद भाषण देने के लिए वो अभी मंच पर आएंगी, लेकिन मंच पर तो कोई और ही वक्ता मौजूद था।
देश में फिर से कमल खिलेगा अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा। जितने जुल्म तूने मेरी माँ पर किए हैं आदम, इसका करारा जवाब तुझे राष्ट्र की आवाज़ से मिलेगा। इस मंच से जयप्रदा के बेटे सम्राट अपनी मां के लिए चुनावी अपील करते नजर आए। लगे हाथ वो आजम खान पर अपना गुस्सा जाहिर करने से नहीं चुके। एक बेटे के तौर पर मैं आप सभी लोगों को वो बातें नहीं बता पाऊंगा जिस हद तक उस नेता ने बदतमीजी करी है मेरी मां के साथ। मैं एक ही बात कहूंगा, तब तो छोटा था, मेरी मम्मी सारी बातें मेरे को बताया नहीं करती थी, पर अगर इस बार मेरी मम्मी के खिलाफ कोई कुछ बोला तो चुप नहीं रहेंगे। आपके पास इस बार विकल्प है, निर्णय लेने का हक है, तो मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि 23 अप्रैल को आप सब एकजुट होकर कमल के फूल के निशान पर बटन दबाएं और मम्मी को यहां से भारी मतों से विजय बनाकर भेजें ताकि वो आपकी आवाज। अपनी मम्मी के लिए मंच से प्रचार करके उतरे सम्राट से हमने बातचीत की। चुनावी सभा चल रही है रामपुर में, हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जयप्रदा जी के पुत्र सम्राट। सम्राट, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे। मैं सोचा था कि आप भी उसी लाइनेज पे फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे। पॉलिटिक्स में कैसे? पॉलिटिक्स में यहाँ इस बार मैं मम्मी का समर्थन करने आया हूँ और पिछली बार जो अत्याचार मम्मी पे हुए हैं, इतने जुल्म हुए हैं, तो सभी को उनको लगता था कि उनके पीछे कोई नहीं है, तो बस मैं आवाज़ उठाने आया हूँ कि मैं बेटा है उनका आया है वापस, तो कोई आवाज़ ना उठाए उनके खिलाफ। यही कहना चाहेंगे, इस बार हमारे पास पार्टी है, युवा का जोश है, रामपुर की आवाम है, तो इस बार हम सब साथ में लड़ेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। वोट का सवाल है भाई, वोट का सवाल, इसीलिए तो ये सब दिखाई दे रहा है। जयप्रदा जी को लास्ट मोमेंट पर रामपुर का टिकट मिला है। स्ट्रैटेजी बड़ी सीधी है, छोटे छोटे पॉकेट्स में ग्रामीण इलाकों में जाके लोगों से बातचीत करना, उनको याद दिलाना कि आखिर 5 साल पहले मैंने आपके लिए क्या क्या किया था। इस जनता के लिए बहुत कठिन नहीं है ये रिकॉल करना कि जयप्रदा कौन है, ये भली भांति जानती है, लेकिन यहाँ पर हर सभा के बाद मोदी मोदी के नारे और हर सभा के अंदर जयप्रदा का लोगों को ये याद दिलाना कि आखिर जो व्यक्ति मुझे लेकर आया था, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और उसने क्या क्या अन्याय किए हैं, इशारा आजम खान की ओर है, ये कितना फलदायक होगा ये हर कोई जानना चाहेगा। कैमरामैन किशन कुमार के साथ निशांत चतुर्वेदी, वोट का सवाल है के लिए रामपुर से आज तक के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।